नमस्ते तुहलग्राम, नमस्ते मुशलाय, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बोली नाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधार, प्रलंबारे नमस्ते तू त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। बलदाव जी महाराज की जय, बलदेव की जय। जय श्रील गुरुदेव, श्रील परम गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद की जय, रूपानुग गुरुवर्गो की जय। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काल बलराम पूर्णिमा, श्रावण राखी पूर्णिमा, राखी बंधन, बलराम पूर्णिमा, बलराम दाऊ भैया का, दाऊ जी महाराज जी का, संगमूल शंकरसन का आविर्भाव तिथि, इसीलिए बलराम पूर्णिमा। श्रावण महीना का पूर्णिमा का दिन, तो सभी भक्तों का चरण रेणु का आशीर्वाद लेते हुए बलराम तत्व का बारे में कुछ बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग कृपा करें। हम लोगों का पता है, श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहता है, एते चंक्षकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी इस विश्व चराचर में अनंत कोटि ब्रह्मांड में एकमात्र मूल आश्रय, समस्त भगवानों का जो मूल भगवान है, सब कुछ का जो मूल आश्रय है, वो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। लेकिन बलराम कौन है, तो आइए उसका बारे में हम लोग सुनता हूँ। बलराम कृष्ण का द्वितीय स्वांश अवतार है। भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने अपने का पहला चार भाग में भाग किया, यानी चार कायो व्यूहु, यानी अपना शरीर का चार विस्तार किया। ये विस्तार का पहला है वासुदेव, दूसरी बलराम यानी शंकरसन, तीसरी प्रद्युम्न, चौथा अनिरुद्ध। तो ये सारे, ये जो चार है, ये चार भगवान कृष्ण का स्वांश अवतार। तो स्वांश अवतार का कौन पहला कौन है, वासुदेव, दूसरी बलराम। तो इस रूप से हम लोग कह सकते हो बलराम कौन है, भगवान कृष्ण का द्वितीय स्वांश अवतार है। स्वांश अवसर किसे कहता है, जो मूल स्वरूप से अलग नहीं है लेकिन देखने में अलग है, एक ही है। जितना भी भगवत तत्व है, तत्व तो एक ही है। भगवान ही अपना लीला विलास अर्थात लीला आदि कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न आकार लेके प्रकाश हुआ है। तो पहला मत से बलराम का ने भगवान का द्वितीय स्वांश अवतार। तो ये बलराम यानी दाऊ भैया भगवान कृष्ण जी का बड़ा भाई का रूप लेकर द्वापर युग में आविर्भाव हुए, और कृता युग में छोटा भाई का रूप में था, लक्ष्मण का रूप। कलयुग में भी बड़ा भाई का रूप लेके नित्यानंद प्रभु होके आया। तो बड़ा होने का बाद भी ये बलराम भगवान का पांच रूप से सेवा कर रहा है। सेवा तो बहुत सारे हैं लेकिन पांच रूप से। ये मूल शंकरसन भगवान का सृष्टि का और भी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद पांच रूप से अपना का विस्तार किया। तो पहला है मूल शंकरसन, फिर होता है पहला
यानी प्रथम पुरुष अवतार कारणोदकशायी विष्णु, फिर दूसरी पुरुष अवतार गर्भोदकशायी विष्णु, तीसरी पुरुष अवतार ईश्वरोदकशायी विष्णु और अनंत देव, जिसका ऊपर जो शीश नाग है, अनंत नाग है, जिसका ऊपर मूल नारायण शायित तो है, जिन्होंने इस सारे ब्रह्मांडों का अपना शीर में धारण करके रखा। तो देखिए, तो जो मूल नारायण है, प्रथम पुरुष अवर का कहता है मूल नारायण, वो नारायण कौन है, वो नारायण बलराम का प्रथम पुरुष अवतार है। तो ये विचार करें नारायण कौन है, कृष्ण का अंश का अंश है। तो शास्त्र में बताया गया जो अंश का अंश है उसके कला कहता है। तो इस रूपे नारायण से जितना अवतार हुआ वो सारे ही कला है, लेकिन एक ही कला बहुत जगह में जब सृष्टि स्थिति प्रलय कार्य करने के लिए आता है तब योग अवतार मन्यंत अवतार बहुत सारे नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। फिर वही हमारे कृष्ण का अंशों का अंश है, अंशों का अंशों का अंशों का है, इसलिए इस रूप से कला भी है। लेकिन विचार करें बलराम जी फिर आगे जाके कैसा भगवान का सेवा में अपना का नियोजित किया। तो बलराम का जो पहला अंश पहला विस्तार कारणोदकशायी विष्णु, जब बलराम से विस्तार रूप ले लिया, बलराम से विस्तार होने के बाद उन्होंने देखा इस सारे ब्रह्मांड से अनंत और अंधेरा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अंधेरा है। तो उन्होंने पहला माया का दृष्टि द्वारा, ये पहला पुरुष अवतार माया का दृष्टि द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि किया। तो सृष्टि करने का बाद उन्होंने खुद उसमें प्रवेश किया, तो खुद बलराम ने क्या किया, तो उन्होंने खुद क्या किया जे पहला पुरुष अवतार नारायण यानी कारणोदकशायी विष्णु ने अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि किया। फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करने का बाद हर ब्रह्मांड में खुद एक विस्तार होकर उस पर प्रवेश किया। प्रवेश करने का बाद क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे घुसते ही देखा, तो देखा जे सारे ब्रह्मांड में अंधकार है, अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब उन्होंने क्या किया, अपना शरीर से पानी से सारे ब्रह्मांड भर दिया। तो जितना भी ब्रह्मांड था 50 शतकोटि यजन वाला इस ब्रह्मांड, जिसका दीर्घ और चौड़ा दोनों और ही समान है, तो क्या किया, सारे ब्रह्मांडों का आधा ही उन्होंने पानी से भर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या किया, उसी जो समुद्र है उसमें खुद उन्होंने शायित हो गया। तो उनका नाभि से एक कोमल का पैदा हुआ, तो उसी कोमल का नाली ये चतुर्दश ब्रह्मांड है जिसका ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा जी उनका कृपा से इस जगत में सारे कुछ सृष्टि किया, सृष्टि करते ही जब आगे बढ़ा तो सारे जीवों का विष में उसी जीव का अंदर मानी यानी श्वेतो द्वीप, ये पृथ्वी में 7 द्वीप विराजमान है इस ब्रह्मांडों का जो मध्य है वहाँ पे मर्त्यलोक है, और वो मर्त्यलोक में 7 द्वीप विराजमान है। 7 द्वीपों का जो एक द्वीप है उसका नाम श्वेतो द्वीप, और श्वेतो द्वीप का चारों ओर खीर का समुद्र है, इसीलिए वो शीतो द्वीप का जो प्रधान है, जो कर्ता है, जो मूल पुरुष है, उसका कहता है क्षीरोदकशायी विष्णु, वही गर्भोदकशायी विष्णु का यानी मूल बलराम का तीसरी पुरुष अवतार है। तो वही सारे जीवों का हृदय में अंतर्यामी रूप में निवास करता है। तो इस रूप से सारे जीवों का हृदय में जो कौन है, क्षीरोदकशायी विष्णु है। तो वही संकर्षण का अंश का अंश का अंश है, इस रूप से जगत में विचार, और इस पृथ्वी जिसका ऊपर है वो भी अनंत देव संकर्षण का ऊपर है। तो देखिए मूल दौभैया का रूप में
कर्णदक्षाय विष्णु रूपे, गर्भदक्षाय विष्णु रूपे, गृहदक्षाय विष्णु रूपे, सब कुछ में उसी बलराम का ही अस्तित्व है, लेकिन सभी भगवान कृष्ण का ही अंश है, सब भगवान कृष्ण का ही है। तो काल उसी बलराम का आविर्भाव तिथि अर्थात जिसका अस्तित्व सरकार इस संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, भगवान का सेवा इतना अपना लिया, हम लोगों का एक से दो सेवा देने से ही मना कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने सारे संसार में सेवा विस्तार करके रखा भगवान के लिए, भगवान का सुख के लिए। तो काल उनका आविर्भाव तिथि में दोपहर में अभिषेक होता है, दोपहर तक निर्जल व्रत करते हुए अभिषेक का बाद अनुकल्प प्रसाद पाके पूरा दिन व्रत करना है, अगले दिन पारण करते हुए उनका आनंद उत्सव मनाना है, उपवास करना है एकादशी में जैसे हम लोग करता हूँ। तो सभी भक्तों का चरण में विनती रूप निवेदन, आप लोग बलराम जी का व्रत करें, क्योंकि उनका अस्तित्व सर के संसार में कुछ भी नहीं, मेरा विश्व में जो है वही बलराम का ही प्रकाश है। तो यही बलराम तत्व है, बहुत ही गूढ़ तत्व है, लेकिन ब्रह्मा जी ने बाद में जाके बता दिया, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान् नानाय अवतारम् अकराद् भुवनेषु किन्तु प्रद्यान कृष्णः स्वयं समभावात् परम प्रमाण्य गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब उसी भगवान कृष्ण का ही प्रकाश विशेष है, उनका कृपा से ही हो रहा है, उनका ही सब कुछ, उन्होंने सब कुछ सृष्टि करते हुए भी सब कुछ से अलग है, यही उनका सबसे वैराग्य है, उन्होंने वैराग्य का शिरोमणि है। तो उसका सेवा के लिए ही दाऊजी महाराज जी ने इतना बड़ा रूप ले लिया। तो बहुत रूप से दाऊजी महाराज जी ने भगवान कृष्ण का सेवा कर रहा है। तो वो मूल गुरु है, वो गुरु तत्व है, जो भगवान का सेवा का शिक्षा देता है वही गुरु होता है। तो उसी आदि गुरु दाऊ भैया का स्मरण करते हुए काल हम लोग व्रत कर रहा हूँ, आप लोग भी करें और हमको भी आशीर्वाद करें। हरे कृष्णा।